हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। एक्सपल्स का जो फर्स्ट सर्विस कराया था मैंने, उसमें क्या क्या चेंजेस हुआ और क्या क्या प्रॉब्लम्स मैंने फेस किया इस बाइक में फर्स्ट सर्विस तक, वो शेयर करूँगा इस वीडियो में। और वीडियो के लास्ट में इसका टॉप स्पीड भी मैंने टेस्ट किया है फर्स्ट सर्विस के बाद कितना आया और कितना आना चाहिए वो भी शेयर करूँगा। सो वीडियो में बने रहिए। सो एक्सपल्स का जो फर्स्ट सर्विस कराना होता है वो 500 से लेकर 750 किलोमीटर्स तक या 60 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ परचेस, जो भी पहले आ जाए। मेरा 570 किलोमीटर्स के अराउंड हो गया था, इसलिए मैंने सोचा करा लेता हूँ। सो डायरेक्ट मिलते हैं सर्विस के बाद। सो सर्विसिंग हो गया, 2 घंटे के आसपास लगा सर्विसिंग इसका। ये देखो पहले इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा था, जब मैंने बाइक लिया था तब अराउंड 200 किलोमीटर जब मैं इसे चला लिया थोड़ा सा इसे मुझे लैग लग रहा था पावर में, इसका थोड़ा सा लैग लग रहा था, मतलब खींचने पावर टॉर्क में थोड़ा सा लैग लग रहा था मुझे। तो लगा सोचा कि करा लेता हूँ सर्विसिंग, कराने के बाद डिफरेंस पता चली जाएगा। तो अभी सर्विसिंग कराया, मतलब एकदम ज़बरदस्त पावर जो भी है इसका, पावर है या पिकअप स्पीड सब अच्छे से आ रहा है इसका, अभी सही है। तो क्या क्या चीज़ें सर्विस हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। और देखो पूरे सर्विस का कॉस्ट कितना हुआ है, 580 रुपीज़ ओनली फर्स्ट सर्विस का। सो बहुत ही अच्छी चीज़ है, यही तो इसमें खास बात है हीरो का, मेंटेनेंस बहुत ही कम रहता है इसका, सर्विस कॉस्ट ज़्यादा लगता नहीं है इसमें। तो इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं देखो, ये ऑयल चेंज हुआ है, एक ऑयल चेंज तो कंपलसरी वो करना ही था। फिर कुछ कंज्यूमेबल्स पता नहीं किस चीज़ का डाला ये लोगों ने, ये कुछ ड्रेन वॉशर चेंज किया है इन लोगों ने, रिंग को चेंज किया है, नाइट्रोजन शायद एयर का होगा वो, फिलिंग टॉपअप, हाँ नाइट्रोजन फिलिंग टॉपअप है ये, एयर का है वो, प्रीमियम पॉलिशिंग नहीं कराया मैंने, हाँ चेन लुब्रिकेट कराया 60 रुपीज़ बस। सो टोटल 580 रुपीज़ में हो गया सर्विस। ये जो पार्ट है ना, ये देखो मेरा हाथ कितना डिस्टेंस में है और यहाँ तक इसका जो भी हीट है वो आ रहा है। ये जो पार्ट है ना बहुत हीट होता है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। जब भी आप बाइक चला रहे हो आप शूज़ पहन कर ही चलाओ, विदाउट शूज चलाओगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। सो जैसे कि आप लोगों ने देखा है इसका टॉप स्पीड 117 किलोमीटर पर आवर आया, मैंने एक्सपेक्ट किया था अराउंड 123 से लेके 125 तक, बट ठीक है उतना रोड भी नहीं था, उतना क्रूज़ करने के लिए रोड भी चाहिए। इफ़ अगर मैं एक्सप्रेस हाईवे पे जाता हूँ तो मैं ट्राई करूँगा इसका टॉप स्पीड कितना आ सकता है, बट वो मैंडेटरी नहीं है, जितना आया वो ठीक है, कोई इश्यू नहीं है बाइक में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट सर्विस के बाद एकदम मस्त हो गया है बाइक, एकदम स्मूथ हो गया है। पहले वाइब्रेशंस आते थे बट अब वाइब्रेशंस नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा ऑफ रोडिंग मिल गया। कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको गड्ढा उड्ढों से, आराम से मतलब उतना जर्क देता नहीं है बॉडी को, आराम से निकाल लेगा।
अच्छा था गुड नाइस। अभी तो मैंने जुगाड़ कुछ किया है, अगर अभी भी आता है तो और कुछ जुगाड़ करेंगे। सही है, आप बाइक और लेना चाहते हो तो यस ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हाइट का इशू है, जिसका हाइट 5.8 या उससे कम है सो एक बार टेस्ट ड्राइव ले लेना, उसके बाद ही लेना बाइक को, और कोई इश्यू नहीं है, आराम से ले सकते हो। सो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कुछ शेयर करना चाहते हो तो कमेंट कर दो, और बस मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।